हेलो एंड वेलकम टू द विकी स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं पंडित विश्वकर्मा आप लोगों को जीके करंट अफेयर्स एंड डेली टू डेली 15 क्वेश्चन इन टॉप क्लास एनी एग्ज़ाम के लिए लाते हैं। तो इस वीडियो में रसायन विज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अमोनिया जो रासायनिक यौगिक है। अमोनिया इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? गुलाम, मिलिकन, रदरफोर्ड, थॉमसन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मिलिकन ने किया था इलेक्ट्रॉन आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण, मिलिकन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पृथक्करण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या की डालते हैं ना, वैसे 2 8 2 8 7 2 8 8 2। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, 2 8 8 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो ऑप्शन है आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, फोटॉन जो एक परमाणु भाग नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल, जे.जे. थॉमसन, मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, हेनरी बेकरल जो परिघटना की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मक आवेश होती हैं? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। चौथा एक्स किरण। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बीटा किरण जो ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटियम, जर्कोनियम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, जर्कोनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, यानी कि पीएच मान क्या होता है रक्त का? 4.5 to 4.5। तो आज आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? आपके ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में
मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी जल, भारी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दो, भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ऑप्शन नंबर दो, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शन से, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। ऑप्शन नंबर चार सही है, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर कितनी भिन्न यानी कि अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। ऑप्शन नंबर दो इज राइट है, आपका ऑप्शन नंबर दो सही है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शन हैं अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो आपका ऑप्शन नंबर दो सही है, बीटा किरण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही डेली वीडियोस हम सुबह में 6 बजे लाते रहते हैं, और सुबह में 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है और शाम को 5 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके रखें। थैंक यू।